आप सभी का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय है शब्द विचार के अंतर्गत, जैसे कि हम शब्द विचार के अंतर्गत हम दो आधार पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, रचना और बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के प्रकार पढ़ चुके हैं और इनका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक हमारा ये क्या है, बेस कोर्स है और इसके आधार पर ही हम आपकी तैयारी करा रहे हैं ताकि आने वाले जब हम अभ्यास प्रश्न करें या लाइव क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो आपको बेसिक चीज़ें पता हो। और इससे सबसे बड़ी बात कि आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग, इसी तरीके से प्यार हमारे साथ बना रहे तो हम इसी तरीके से आपकी निरंतर नई नई वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। जल्दी हम आप लोगों के सामने लाइव होंगे और इस बेस कोर्स को हम कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद जैसे कि अभी आपको पता ही है हमने एलटी के एक महीने पहले आपके सामने वीडियो बनाई थी कि इसकी विज्ञप्ति आने वाली है प्रवक्ता की। हमने पहले ही आपको सिलेबस दे चुके थे और उसकी भी वीडियो आ चुकी हैं और वैकेंसी आ गई हैं, तो आप लोग निरंतर लगे रहिए। हिंदी से संबंधित सभी जानकारी और सभी पेपर की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, साथ ही साथ उत्तराखंड भी आपका करवाया जाएगा। तो ज़्यादा देर करते नहीं आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि एग्जाम में जब भी अर्थ के आधार पर शब्दों का प्रकार पूछा जाए तो आप चार ही बताएंगे। इसके अलावा और भी कई आधारों पर जोड़ दिए गए हैं, इसमें और भी शब्द हैं जो हम आगे आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है शब्द, एक बार दोबारा आपको समझा देते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ग, यहाँ पर वर्गों लिखा है तो वर्णों होता है। और शब्द और अर्थ का अपने आप में घनिष्ठ संबंध है, आप जानते हैं। एक तरह से शब्द का बोध उसके अर्थ से ही है, अर्थ भी एक तरह का शब्द ही है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को वर्गों में बांटा गया है। कई आधार यहां पर है, तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं यहां पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, दूसरा विलोमार्थी, तीसरा होता है अनेकार्थी और चौथा होता है एकार्थी। ये चार ही मुख्य रूप हैं और इसके बाद हमें इन्हें अलग अलग तरीके से, यानी उन्हीं शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द, यानी एक जैसा दिखाई देते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसलिए उन्हें भिन्नार्थक अर्थात समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्योंकि अनेकार्थी नहीं है वो, उस उनकी एक और क्वालिटी, दिखने में एक जैसे। अर्थ के आधार पर छोड़कर हमने क्या कर दिया, उनके दिखने पर आधार को एक बनाकर उसे एक अलग प्रकार का शब्द बना गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, और अब कुछ ऐसे हैं कि जिनके अर्थ आपको एक जैसे लगते हैं लेकिन वो होते अलग अलग हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये इनके अलग अलग रूपों के आधार पर इनका विभाजन मुख्यतः चार है। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनका अर्थ आपस में मिलता जुलता है किंतु ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। देखो पर्यायवाची शब्द में होता क्या है, आपको ये बात समझनी होगी। देखो पर्यायवाची शब्द में हम क्या करते हैं, प्राय, यानी इसी का प्राय है। अलग अर्थ में हम इसे देख सकते हैं कि इसी का प्राय है, इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो दो शब्द हमारे पास जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर क्या होगा, शब्द बदलेगा ना कि अर्थ। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि यहां पर क्या होगा, तो पर्यायवाची शब्द को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो यहां पर क्या होता है, हमेशा हम देखते हैं कि शब्द बदल जाता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता, इसलिए उसको उसका प्राय समझा जाता है, यानी उसी के जैसा। ठीक, तो आशा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। देखो जैसे आकाश और हर समूगा हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका प्रवक्ता हो, चाहे आपका एलटी हो, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है और सभी पेपर में पूछा गया, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आकाश, और दूसरी बात हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, दूसरी बात जो हमारे
दिनचर्य से संबंधित है, हमसे संबंधित है, हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाले शब्द हैं, उन्हीं के पर्यायवाची ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जैसे जो हम हमारे खाने से संबंधित हो, हमारे फल से संबंधित हो, हमारे आसपास हमारे जीवन से संबंधित हो, इन सबसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आकाश जैसे व्योम, गगन, अंबर, आसमान। तो देखो इन किसी भी शब्द में आप किसी भी शब्द के स्थान पर किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समझ गए बात? यानी उसी शब्द को एक दूसरे नाम से जाना जा सकता है। जैसे कई सारे शब्द आपने देखे होंगे कि जो आपके टीरी में वही शब्द दूसरे नाम से जाना जाता है, और उसी शब्द को हम देखते हैं श्रीनगर में या पौड़ी में, वो दूसरे नाम से जाना जाता है। तो बस यही पर्यायवाची। दास, नौकर, सेवक, चाकर, किंकर, शत्रु, अरी, दुश्मन, रिपु, वैरी, विपक्षी, मित्र, सखा, सहचर, साथी, मीत। अब ये अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं और अलग अलग स्थान पर प्रयोग होते हैं। यहां पर देखो मेघ, घन, जलद, जलधर, प्योद। आप लोगों को पर्यायवाची बनाने के लिए मैं एक आसान तरीका भी बता दूं कि देखो जब आप पर्यायवाची शब्द बनाते हैं तो अगर हमें पानी के पर्यायवाची याद हैं तो यदि हम उसमें दा जोड़ें तो वो बादल के बन जाते हैं, और जा जोड़ेंगे तो वो कमल के बन जाते हैं। इसी तरीके से देखो ईश्वर, ईश्वर का है ईश, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, वृक्ष का, पेड़, तरु, दुम, विपट, मनुष्य, मानव, आदमी, नर, मानुज। पूछा गया है कई बार ग्रुप सी में ये क्वेश्चन पूछा जाए मानुज किसका पर्यायवाची है। सरस्वती, तो सरस्वती यहां पर देखो गिरा, वाणी, शारदा, भारती, तो ये पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा देखो नदी के सरिता, तटनी, तरणी, त्रंगणी, निर्झरणी, पत्थर, पाषाण, पहान, और यहाँ पर होता है उपल, यहाँ पर होता है प्रशस्त्र, यहाँ पर होता है अश्म, शिव, महादेव, कैलाशपति, शंकर, पशुपति, त्रिलोचन, अपमान, अनादर, अपकार, अवज्ञा, अवहेलना, निराधार, जल, पानी, नीर, अंबु, वर्दी। अब यहाँ पर नीर, नीर में अगर जा नीरज जोड़ेंगे तो कमल का, नीरज जोड़ेंगे तो बादल का, अंबु, अंबुद जोड़ेंगे तो बादल का हो जाएगा, अंबुज जोड़ेंगे तो कमल का, वारिद, वारिज, ये सब चेंज हो जाएगा, तलवार, कृपाण, खड़ग, शमशीर, अरि, संसार के पर्यायवाची देखो लोक, विश्व, भवन, जग, जगत, धरती, वसुधा, अचला, धरा। ये बात धरा कई बार क्वेश्चन पूछा गया किसका पर्यायवाची है। अमृत, अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, तो ये कही आपके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना ये वेश आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं और कैसे कैसे होते हैं, और इसके बाद जब हम अभ्यास करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और धन्यवाद आपका, और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।